ಈಗ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನ್ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ರೇಪ್ बलात्कार जैसे शब्द सुनते ही रूह कांप उठती है। इतना गंभीर मुद्दा होने के बावजूद अगर कोई शख्स बलात्कार जैसी घटना पर व्यंग करे तो वो घोर निंदनीय तो है ही, साथ ही उन पीड़िताओं का अपमान है। दरअसल कांग्रेस के विधायक और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। बयान भी ऐसा कि कोई सुने तो शर्म से आंखें झुक जाएं। रमेश कुमार ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो। बयान को लेकर अब उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है। अब इस बयान को लेकर रमेश कुमार चारों तरफ से घिर चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब वरिष्ठ कांग्रेसी रमेश कुमार ने ऐसा बयान दिया है। 2019 में भी स्पीकर रहते हुए उन्होंने अपनी हालत की तुलना रेप पीड़िता से कर दी थी। रमेश कुमार के इस बयान के बाद न सिर्फ उनकी पार्टी के विधायकों बल्कि महिला सदस्यों ने भी सदन में प्रदर्शन किया था और उनके बयान की निंदा की। इस बीच उनके बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां सभी उनकी निंदा कर रहे हैं। वहीं एमएलए सौम्य और रेड्डी ने लिखा कि ऐसे बयान को लेकर सदन को सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, हर माँ हर बहन और देश की बेटी से।